अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग चिकन कबाब बनाने वाले हैं। उसके लिए हम लोगों ने चिकन लिए और अदरक लहसुन हरी मिर्च लिए। ये सबको ग्राइंड कर लेना है। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च डालना है और नमक ऐड करना है। इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। हम लोगों ने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें पहले प्याज डालेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर। हम लोगों ने धनिया को भून लिया है, अच्छे से रोस्ट कर लिया है और इसको क्रश किया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये गरम मसाला, ये भी डाल देते हैं, और थोड़ी चिली फ्लेक्स, इससे कलर अच्छा आएगा। और नमक हम लोगों ने पहले भी डाला था, इसके लिए थोड़ा सा नमक डालना है। हरा धनिया भी डाल देते हैं और इसमें थोड़ा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने कबाब के लिए चिकन को रेडी किया है। अब हम इसे शैलो फ्राई करते हैं अंडे में डीप करके। थोड़ा ऑयल हाथ में लगा लेते हैं। ये देखो, हम लोगों के कबाब रेडी हो गए। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। अब इसे अंडे में डीप करके पैन में डालेंगे। अब इससे हम लोग थोड़ा ऑयल डाल के स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। ढक के पकेंगे, पकाएंगे इसको। अब हम इसे चेक करते हैं बने हैं कि नहीं। ये देखिए, हम लोग पलटते इसको, माशाल्लाह बेस्ट कलर आया है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगते हैं चिकन कबाब। जैसे मैंने बनाई हूँ उस तरीके से बनाओ। दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही शैलो फ्राई करना है, ढक के बनाना है इसको अच्छी तरीके से। ये देखिए, हम लोग के कबाब रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। अब इसे निकाल लेना है। बहुत बेहतरीन बने हैं। कमेंट करके बताना मुझे कैसे बने, ट्राई करना इसको ज़रूर। देखिए हम लोग के कबाब कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह कलरफुल लग रहे एकदम। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।